बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। पहले भी मैंने चावलों की खीर बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा हम जो है ना चावल भी और साथ ब्रेड की है। ये दोनों चीज़ें हम ग्राइंड करेंगे और मैश करके फिर हम दूध में डालेंगे। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए नाज़रीन, चावल और ब्रेड जो है ना वो मैंने ग्राइंड कर लिए और बिल्कुल मैश हो गए, लेकिन अभी नहीं ये डालना। अब हम ये सबसे पहले करने लगे हैं चीनी। वैसे नहीं डालनी चीनी, को थोड़ा सा पानी डाल के ब्राउन करना है, इसका शीरा बना के ब्राउन करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, हल्की सी और करनी है हमने और बस करना है, और साथ खीर को हिलाते जाना है। देखिए नाज़रीन, ये अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब हम डालने लगे हैं इसमें चावल और ब्रेड डाल दिए, और ये देखें शीरा ब्राउन हो गया, ये भी साथ ही ऐड करते हैं। अब इसको हल्की आंच पे हिलाते जाना है। ये देखें नाज़रीन, कलर देखें खीर का, और ये बिल्कुल मुलायम होती जा रही है। अभी ये थिक होगी, अभी इसमें हम डाल लेते हैं ये तीन चार जो इलायची पीस के, तो इसका जायका और खुशबू आएगी। इसका कलर देखे नाज़रीन, बस इस थोड़ा सा और गहरा हो जाए ना ये, फिर इसको हम सजाएंगे। और देखें बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत तेज़ी से। नाज़रीन, खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इलायची भी हमने डाल दी है। ये दो किलो दूध था जिसके लिए ये सारा मटीरियल हमने तैयार किया। अब हम इनको सर्व करते हैं। नाज़रीन, खीर हमारी तैयार हो गई है। अब इसके खजूर के साथ हम ना इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं, और बड़ी टेस्टी और मुलायम सी खीर बनी है। नाज़रीन, हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें।